good morning students students as uh, we were discussing about uh, human excretory system in previous video and uh, we discussed about uh, that uh, human excretory system is made up of four major components kidneys a pair of ureters a single sac like structure which is called uh, urinary bladder and finally a uh, opening tubule which is called as urethra and uh, i also told you that uh, kidneys are the chief excretory organs in the human beings so students uh, today we will discuss a lot about kidneys and uh, we will discuss about uh, the functional or structural unit of the kidneys which are nephrons so initially i want to discuss what are the functions of kidney but uh, the main function of kidney is to remove poisonous substances such as urea and other waste salts and other and excess water from the blood and excrete them from yellowish liquid called urine in simple words we have to say that uh, or we can say that कि बॉडी में कई सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस जो लगातार चलते आ रही हैं उन मेटाबॉलिक प्रोसेस में कई सारे ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं जो बॉडी के लिए कई ज़्यादा पॉइजनस या टॉक्सिक हो सकते हैं अगर उन्हें बॉडी से बाहर एलिमिनेट ना कराया जाए तो जब वो बॉडी में एक्यूमिलेट होना स्टार्ट करेंगे तो इट कैन कॉज डेथ टू द ह्यूमन बीइंग सो इन्हें बॉडी से बाहर निकालने का काम करता किडनी इन द फॉर्म ऑफ द अ येलो इज फ्लूड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज यूरिन सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन अब uh, आपकी बॉडी में जो वाटर का बैलेंस है या ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब अ प्रेशर क्रिएटेड बाय ब्लड ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट आयंस ठीक है तो इट इज़ रेगुलेटेड बाय किडनीज ओनली ठीक है तो ये आपकी बॉडी का ऑस्मो रेगुलेशन बनाए रखने में मदद करता है वाटर बैलेंस को बनाए रखने में मदद करता है एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन इज इट रेगुलेट्स द पी ऑफ द ब्लड यानी आपकी बॉडी जो ब्लड है उसके पी को यानी एसिडिक और बेसिक वैल्यू को मेंटेन करके रखता है यानी पीएच बेसिकली जनरली पी एच इज द टर्म विच इज एसोसिएटेड विद द केमिस्ट्री आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा वहाँ ठीक है तो पी एच इज बेसिकली इट टेल्स देर इज अ स्केल विच हैज़ फोर डिफरेंट पॉइंट्स एंड इट टेल्स दैट अदर दबस्टेंस इज एसिडिक और बेसिक ठीक है नाउ नेफ्रॉन्स नैफ्रॉन्स आर द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट्स ऑफ द किडनी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ठीक है

ठीक है तो इफ़ यू विल ऑब्जर्व इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग कॉयल टिब्यूल हुज़ वन एंड इज कनेक्टेड टू द डबल वॉल्ड कप शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड वोमन कैप्सूल एंड इट्स अदर एंड ऑफ द नेफ्रॉन इज कंबाइंड और कनेक्टेड विद द यूरिन कलेक्टिंग टैक्ट ऑफ द किडनी ठीक है नाउ एज आई मैंशन अर दैट की जो आपका नेफ्रॉन है ने, नेफ्रॉन में क्या होता है कि इसके दो एंड होंगे ठीक है थीके? एक लॉन्ग कॉयल स्ट्रक्चर होगा जो पहला एंड है उसमें आप देखोगे डबल कप लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा हेर यू कैन सी दैट तो आपको यहाँ डबल कप लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आई एम जस्ट जूमिंग इट तो दिस इज़ कप लाइक स्ट्रक्चर दिस इज़ कॉल्ड एज वोमेंस कैप्सूल ठीक है आपको यहाँ लेबल करके दिखाया हुआ भी है दिस इज कॉल्ड वोमेंस कैप्सूल एंड इसके अलावा आप देखेंगे कि इसका जो दूसरा एंड है वो यहाँ पर एक लॉन्ग कलेक्टिंग डक्ट पे आकर के आपका ओपन हो रहा है ठीक है सो If you will say that, if you will observe that uh, here in this figure, okay. uh, it consists of a long coiled tubule whose one end is connected to the double-walled capsule structure which is called Bowman's capsule, and the other end is of the and the other end is collect connected with the urine collecting duct of the kidney. Okay. the Bowman capsule contains a bundle of the blood capillaries which is called glomerulus. Now once again, I am showing you a figure. Here in this figure, inside the glomerulus, you are observing that. ठीक है देर इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज देख रहे हैं आप वोमन कैप्सूल में ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी आ रही है ठीक है और रीनल आर्टरी आपको दिख रही है ब्रांच ऑफ रीनल वेन दिख रही है आपको ये मिल करके हेयर इन द इन साइड द वोमेन कैप्सूल दे आर फॉर्मिंग अव्यूज नेटवर्क विच इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस द टर्म इज क्वाइट सिंपल ग्लोमे रुलस ठीक है नाउ द डबल वॉल्ड कप शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वोमेन कैप्सूल

ठीक है नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट ओके द फंक्शन ऑफ द ग्लोमेरुलस इज टू फिल्टर द ब्लड एज यू नो दैट ग्लोमेरुलस का काम क्या होता है ब्लड का फिल्ट्रेशन करना होता है द फंक्शन ऑफ़ द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफरॉन इज अलाउड टू सेलेक्टिव री एब्जॉर्शन ऑफ द यूजफुल सब्टेंसिस इन टू द ब्लड कैपिलरीज और मैंने कहा ना ये यू सेफ जो पार्ट बनता है दिस यू सेफ पार्ट इज कॉल्ड एज लूप ऑफ हेनले और लूप ऑफ हेनले जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उससे पहले का पार्ट कहलाता है आपका पी सी टी प्रोक्सीमल कॉन्विलेटेड टिब्यूल और जहाँ पर लूप ऑफ हैंडलो खत्म हो रहा है आपका खत्म होने के बाद फिर कॉइलिंग हो रही है उसमें उसको बोलते हैं डी सी टी डिस्टल कॉन्विलटेड ट्यब्यूल ठीक है और बेसिकली इसका काम क्या होता है इट हेल्प्स इन द रीऑब्जॉर्प्शन पहले तो ग्लोमेरुलस ने सारा का सारा क्या कर लिया फिल्ट्रेशन कर लिया उसके बाद ही यूरिन में कई सारी चीज़ें हो सकती हैं कि जो कि अभी इंपॉर्टेंट है तो उनका रीअबजॉर्प्शन क्या होता है लूप ऑफ हैंलने में होता है ठीक है दिस इज़ आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे रेस्ट ऑफ थिंग्स आई विल डिस्कस टुमारो थैंक यू